हेलो गाइस, मैं एवरेड विलोवर रवि वांटू। आज हम लोग माननीय मंत्री जी के साथ गांधी मैदान गया में पधार चुके हैं और यहां का निरीक्षण करने के लिए हम लोग क्लॉक रूम, सामान घर, जहां आप सामान की व्यवस्था रख सकते हैं, और स्वास्थ्य केंद्र जहां आपको मेडिकल सुविधा मिल सकती है फ्री में निःशुल्क, और यहां से भी जगह हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। और आगे भी कुछ कुछ जो है कैंपिंग रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, यात्रियों की सुविधा के लिए जो भी यहाँ व्यवस्था की गई है सबका निरीक्षण किया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे अब हम लोग घुस गए हैं, यहाँ कैंपिंग, यहाँ रहने की व्यवस्था है। और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों इस वीडियो बनाने में। और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ का बेडिंग का व्यवस्था कैसा है यात्रियों के लिए, यहाँ यात्रियों के लिए हर एक व्यवस्था किया गया है। और हमने एक बाबा जी से पूछा भी कि बाबा यहाँ का व्यवस्था कैसा है आप बताइए, कि यहाँ पर दिक्कत आपको तो बोले नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ। और वैसे भी ये ज्ञान और मोक्ष की धरती है गया, और गया तो वैसे ही मशहूर है ज्ञान और मोक्ष की धरती के नाम पर। तो आप लोग भी आइए और पितृपक्ष मेला का आनंद लीजिए, देखिए और घूमिए, और यहाँ की व्यवस्था कैसा है बताइए इस वीडियो के दौरान। ऐसे 1,000 लगभग एक कैंप में बेड लगाए गए हैं, ऐसे 4-5 हैं कैंप जिसमें 4-5,000 रहने की व्यवस्था की गई है लगभग यात्रियों के लिए, कि कोई असुविधा ना हो उन्हें। देश विदेश से आए हुए सभी यात्रियों से अनुरोध है कि इस लुफ्त का फ़ायदा उठाएँ जो बिहार सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, निःशुल्क सेवा है सारा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सारा जैसे खाने पीने से व्यवस्था जो भी है सबका निरीक्षण किया जा रहा है। मेला महासंगम, पितृपक्ष मेला महासंगम, देखिए ये आ रहे हैं तीसरे चौथे लगभग कैंपिंग में जहाँ रहने की व्यवस्था है। यहाँ भी देख सकते हैं बेडशीट से लेकर पिल्लो सब चीज़ लगा हुआ है। माननीय मंत्री प्रेम कुमार जी जो वन पर्यावरण एवं सहकारिता विभाग के मंत्री जी हैं, उनके द्वारा ये निरीक्षण किया गया। और गंगा जल जो हर एक यात्रियों को लगभग लगभग दिया जाएगा गया की धरती के लिए, देख सकते हैं बार बार हम दिखा रहे हैं यात्रियों की सुविधा के लिए कोई कष्ट ना हो उन्हें। पिंडदान से लेकर जो भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर, एक सेल्फी स्टैंड है, आप लोग सेल्फी ले सकते हैं। और हरी झंडी धरा कर देखें, माननीय मंत्री जी ने शुभारंभ किया पितृपक्ष का। इसी के साथ वीडियो का अंत भी करेंगे दोस्तों, तब तक लगे मिलेंगे, थैंक यू, धन्यवाद।